चेहरों पर दर्द, मायूसी और चिंता के साथ जिंदगी जी रहे मासूम बच्चों को उनकी मुस्कान वापस लौटाने का जिम्मा फ्यूचर ऑफ स्माइल्स मिशन और रायपुर के स्वेश हॉस्पिटल ने उठाया है। आमतौर पर जन्म से कटे होठ और तालू का इलाज गरीब तबके के परिवार आर्थिक तंगी की वजह से नहीं करा पाते थे, लेकिन राजधानी के गुड़ियारी रोड कोटा स्थित स्वेश हॉस्पिटल में ऐसे ही बच्चों की निःशुल्क सर्जरी के लिए 10 से 17 नवंबर तक शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कटे होठ और तालू के मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर विवेक किशोरवानी और ऑपरेशन स्माइल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभिषेक सेन गुप्ता ने बताया कि कैंप में 150 से 200 बच्चों की मुफ्त में सर्जरी की तैयारी अस्पताल में की गई है, जिसमें अस्पताल के प्रशिक्षित डॉक्टरों के अलावा दूसरे देशों के इंटरनेशनल फेम के डॉक्टर्स भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि यहां छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके से भी शिविर में मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, जिनके आने और जाने को लेकर इलाज और रुकने की सारी जो व्यवस्थाएं, साथ ही काउंसलिंग भी जो उनकी सुविधा है उसकी, वो भी अस्पताल प्रबंधन और ऑपरेशन स्माइल के द्वारा की जाएगी। पिछली बार भी तकरीबन 120 मरीजों की सर्जरी यहां की गई थी और इस साल 150 से 200 मरीजों की सर्जरी करने की व्यवस्था हॉस्पिटल में की गई है। 120 क्लेफ्ट लिप मैंने होट कटे और बच्चों का फ्री में निशुल्क सर्जरी करेंगे, तो इसमें बच्चे का सर्जरी का तो कोई खर्चा नहीं है। इनफैक्ट कोई बच्चा अगर आए तो बच्चे और उनके साथ परिवार वाले के आने जाने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा सब कुछ हम देंगे। और ये जैसे मैंने बोला सुहास हॉस्पिटल के साथ पार्टनरशिप में हो रहा है ऑपरेशन। हॉस्पिटल हम लोग को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ओटी, नर्सिंग सपोर्ट, वार्ड्स, बेड, सब कुछ हमें अगेन हॉस्पिटल अपने तरफ से फ्री। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस फिलहाल इतना ही, इसके बाद देखिए हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।